रोमांटिक फिल्म बनारस, जहां स्टार करते देखा जाएगा जैद खान एंड सोनल मोंट्रियो को, जिन्होंने रिसेंटली किया मीडिया के साथ इंटरेक्ट, जहां शेयर की दोनों ने अपनी हैप्पीनेस एंड नर्वसनेस। दिस इज व्हाट बोथ हैव टू से। बहुत नर्वस है हम लोग, बिकॉज खुशी भी है बट उतना ही नर्वस है, क्योंकि ट्रेलर रिलीज होने के बाद यहाँ का रिस्पांस देखकर आई थिंक पैन इंडिया बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गया है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया है, सो वी आर एक्सट्रीमली नर्वस एंड ऑल्सो वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम दैट वी आर गेटिंग सो मच लव फ्रॉम पीपल। और सपोर्ट जो प्रेयर्स मिल रहे हैं ऑडियंस की तरफ से, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज जब हम लोग ये पिक्चर बना रहे थे कि सिर्फ हमारा दिमाग में ये प्लान था कि हम लोग ये कन्नड़ा में रिलीज़ करेंगे, बट हमारे प्रोड्यूसर फोर्स करने के बाद हम लोग पैन इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं, तो बहुत डर था कि हिंदी वालों को नॉर्थ वालों की ये मेरी पिक्चर पसंद आएगी नहीं, गाने पसंद आएंगे कि नहीं, कंटेंट पसंद आएगा कि नहीं, मैं पसंद आऊँगा कि नहीं, बट मैं गलत था। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, थैंक यू एवरी वन, थैंक यू सो मच। सर आप जब आप पिक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक हिस्ट्री फिल्म देख रहे हैं या फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे हैं? तो डेफिनेटली एक बंदा आता है थिएटर को टू एंटरटेन हिम, मतलब उसको एंटरटेनमेंट देना हमारी जिम्मेदारी है, तो एंटरटेनमेंट मसाला पूरा मिक्स जॉनर करके वहाँ की जितने भी जो कल्चर्स है सब पूरा मिक्स मैच करके हम लोगों ने दिया है। एवरीथिंग इज शॉट, गंगा आरती होने दो, वहाँ का वो पूजा, नहीं तो इवनिंग में बच्चे लोग स्काइट फ्लाई कर भी नहीं कर सकते। तो जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपको बहुत खुशी होगी कि आपको दिमाग में ये आएगा कि अरे बाप रे ये सब चीज़ें हैं क्या वहाँ पर। मैं दर्शकों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत तहे दिल से, बहुत ईमानदारी से हम लोगों ने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है बनारस। सो आप सब लोग नवंबर 4 को प्लीज़ कम एंड वॉच इन थिएटर्स एंड प्लीज़ ब्लेस अस एंड गिव योर लव।